तो आपको बता दें कि बेमेतरा पुलिस ने वैन लूट के आरोपियों को पकड़ने में जिस तरह से बड़ी सफलता हासिल की थी, इसी को लेकर रायपुर आपको सीधे ले चलते हैं, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। डीजीपी डीएम अवस्थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जानकारी दे रहे हैं। इसी दौरान पुलिस अधीक्षकों ने, पुलिस अधीक्षक बेमेतरा ने जो जनमित्र एक योजना है हमारी, और एक उसके तहत हम लोगों ने सभी थानों में कुछ व्हाट्सएप से लोगों को जोड़ लिया है, तो उनको जनमित्र और साइबर मित्र दोनों कहते हैं। इस घटना की महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही ये जानकारी मिली पुलिस कंट्रोल रूम से और पुलिस सिपाहियों से, एसपी के द्वारा सारे गांव में ये खबर व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से आसपास इलाके में बताई गई कि ऐसी कोई गाड़ी है जो निकल रही है, उसको पकड़े। तो गांव के लोगों ने भी इसको अपने ग्रुप बना करके सभी जगह नाकेबंदी शुरू कर दी, और उसी दौरान एक गांव में ये गाड़ी लोकेट हुई तो गांव वालों ने पत्थर मार के उसको रोकने की कोशिश की, और उसके बाद गांव वालों ने पीछा किया, पुलिस को खबर मिली। इस सब का घटना का पूरा डिटेल एसपी, जो कि स्वयं मौके पे गए थे और जब से सुबह से दौड़ रहे हैं इसी हालात में अभी वापस आए हैं, मैं उनको आपके आगे की बात बताने के लिए एसपी बेमेतरा को बुलाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि मात्र 1.5 घंटे के अंदर पुलिस की तत्परता और जो हमारे गांव के लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, गांव के जनमित्र साइबर मित्र, उनकी मदद से न केवल सारे अपराधी पकड़े गए हैं बल्कि पूरा कैश 80 लाख रुपए यहां है। एक 20 लाख रुपए का जो एक बंडल और है उसको लुंगी में जो बांध के इन्होंने कहीं रखा था, उसकी तलाश के लिए बेमेतरा की पुलिस टीमें अभी भी गाँव और एरिया में सर्च कर रही हैं और निश्चित रूप से उनसे मिल जाएंगे। लेकिन इन अपराधियों के द्वारा, और एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये हरियाणा के रहने वाले हैं और इस प्रदेश में आए हैं, इन्होंने जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया वो भी 3-4 दिन पहले रायपुर से ही उन्होंने किसी ये होंडा सिटी लूटी थी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसका और विस्तार से जो जो चीजें हैं वे एसपी साहब आपको बताएंगे। एसपी साहब अभी अभी ये क्लियर नहीं हो पाया, पर ये है कि रायपुर से आरोपी खुद बता रहे थे कि हम रायपुर से लूटे गए थे, अभी इसी इन्वेस्टिगेशन में थे, और चारों बिल्डिंग को चूंकि 3 थाना क्षेत्र के अंदर से घेराबंदी ग्रामीणों की मदद से किए, उसमें चोट भी लगी है, दो लोग को हॉस्पिटल एडमिट है, उनको भेजा गया है, उन्होंने फायर भी किया है अपने नाम से, पर किसी को गोली डायरेक्ट